नमस्कार, आज आप सभी के साथ में हम एक खास आदमी को पकड़ के लाए हैं। ये बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं, ये मनीष हैं, मनीष वंदे मातरम। और ये जो हैं, ये किताबें तय करते हैं कि कौन सी स्क्रिप्ट है जिसको किताबें छपनी हैं, कौन सी स्क्रिप्ट है जिसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए, किसको किस तरह से छापा जाना चाहिए, किसमें दोबारा काम करने की ज़रूरत है। एडिटोरियल प्रोसेस जो है उससे जुड़े हुए आदमी हैं। तो आज जैसे हम लोगों से कई लोग पूछते हैं कि क्या करें सर लेखक बनने के लिए, क्या ये किताब छप जाएगी, क्या ये नहीं छप जाएगी, तो इनसे पूछते हैं। मतलब हम लोगों को जितने भी आपको बेस्ट सेलर लेखक हैं सब इनसे डरते हैं और सबको ये हड़काते रहते हैं कि एक किताब बिक गई तो क्या मतलब बड़े लेखक बन गए, उस तरह से बातें करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे भी इन्होंने बहुत डांटा कि क्या तुम कर रहे हो। तो आपसे शिकायत हमेशा रही है कि आपने वादा किया था और दिया नहीं हुई था। अब क्या करें, अकेले आदमी के बहुत सारे काम हो जाते हैं, ये लोग वीडियो का मुझे कैमरा पकड़ा के चले जाते हैं। तो इसमें आपको समय निकालना होगा। खैर, जो वादे किए, एक अच्छे लेखक की मौत हो जाए इससे पहले मैं युवा रहते होते डेढ़ लेखक ना बने। हां, डेढ़ नहीं, हां युवा लेखक, हम आपको युवा लेखक कह पाए, अधेड़ नहीं। ठीक है, तो ठीक है, वो बातें हैं। सबसे पहली बात ये कि जो आपके पास पांडुलिपियाँ आती हैं तो सबसे पहली चीज़ जिसको देख के आपका मूड खराब हो जाता है, ईमेल को देख के, यार ये क्या भेजा, पहली चीज़। सबसे पहले जो देखते ही एकदम दिमाग खराब होने वाली चीज़ होती है वो है सबसे ज़्यादा वर्तनी का शुद्धियाँ। मतलब जिसको वर्तनी, मैं ये सोचता हूँ जिसको वर्तनी ही नहीं लिखने आता तो वाक्य किससे बनाएगा, वो वाक्य ही नहीं बनाएगा तो लिख कैसे पाएंगे। उसमें जब आप शब्द ही नहीं चुन पाएंगे तो उसमें भाव कैसे भरेंगे, और जब भाव नहीं भरेंगे तो आप जो लिखना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे सामने वाले। इसलिए लगता है कि अरे इसको वाक्य नहीं बनाना आता, इसको शब्द नहीं लिखने आते, तो लेकिन कैसे बनाएंगे। तो पहली चीज़ है कि भाषा में जो ग्रामेटिकल पोर्शन, हाँ, वो व्याकरण की के ऊपर काफी ध्यान दें। हाँ, दो चीज़ें, अगर परफेक्ट ना हो तो कम से कम, हाँ कम से कम हो, कम से कम हो, तो उस पर व्याकरण में दो चीज़ें आ जाएंगी। एक तो वर्तनी का दोष, फिर लिंग दोष, मतलब कहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग होना है, कहाँ पुल्लिंग का प्रयोग होना है, इस तरह की चीज़ें बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। दो चीज़, तीसरा जो होता है पंक्चुएशन, जो कॉमा कहाँ लगना है, फुल स्टॉप कहाँ लगना है, ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। और बहुत अलग अलग जगह, जैसे मैंने बहुत लोगों को विस्मय बोधक चिन्ह का गलत प्रयोग करते हुए, वो संबोधन को विस्मय बोधक समझ लेते हैं, उसका वैसे व्यवहार करते हैं, ये बहुत बड़ा कॉमन। जो मेल ईमेल जो लिखते हैं उसमें अंग्रेजी में पूरा लेटर लिख के भेजते हैं, सर आई वांट टू गेट माय बुक पब्लिश्ड फ्रॉम योर, एक वो भी इम्प्रेशन ख़राब होता है। मतलब वो सारी चीज़ें अपनी कहते हैं कि मैं हिंदी का बहुत अच्छा लेखक हूँ, मैं बहुत संवेदनशील हूँ, हिंदी में लिखना चाहता हूँ, हाँ हिंदी में लिखना चाहता हूँ, वो सारा लेटर अंग्रेजी में लिखा रहता है, आई वांट टू राइट इन हिंदी। हाँ हाँ हाँ, यही ये वाला जो समस्या है इससे भी थोड़ा कोप होती है क्या है। तो ये दो काम ना करें, हिंदी ये पढ़ लेते हैं, इनके कंप्यूटर, हाँ, मोबाइल सब पे हिंदी खुलती है यूनिकोड, हाँ, के कारण, तो ये पढ़ लेंगे किसी और। बहुत खुशी होती है जो हिंदी के बाद हिंदी में कहना चाहता है, ये तो हो गई बहुत बेसिक चीज है। और हम एकदम जो भी हमें भेज रहे हैं एकदम से ये जान लें कि आपका अंग्रेजी वाला इस तरह का कवर लेटर पढ़ के हमें ज़रा भी खुशी नहीं होती है। मुझे बहुत खुशी होगी आप अपनी हिंदी के बातें हिंदी में रखिए, आप कम से कम जिसके पक्ष में आप खड़ा हैं पूरे मन से रहिए, पूरे मन से। तो इसके बाद और क्या क्या चीज़ें जिससे आपको ऐसा लगता है कि समस्या होती है या जो काम नहीं, हाँ उसके अलावा जब पांडुलिपि भेजते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी ने 400 पेज की पांडुलिपि भेजी है और हमें मिल गया कि इसको पढ़ के या देखना है कि क्या है, तो उन 400 में पढ़ते पढ़ते भी लगता है यार इसमें कुछ भी नहीं है, फिर समझ में आता है कि इन 400 पेजों के पढ़ने के बाद हमने काफ़ी समय बर्बाद किया। तो हम लेखकों से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि आपका जो बेस्ट पोर्शन है, आपको लगता है कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें जो मेरा मैसेज है जो मैं देना चाहता हूँ इस किताब के माध्यम से वो कवर होता है, तो हम उनसे यही कहते हैं कि आप अपने 20-25 जो अंश हैं अपने वो हमें दीजिए, ताकि हमें ये पहले देख पाएँ कि आपका स्टाइल क्या है और उसमें वो दम है कि नहीं है, उसके बाद हम फिर उनसे पूरी पांडुलिपि मंगाते हैं, फिर आगे का काम। लेकिन ये पोर्शन बीच का भी हो सकता है, शुरुआत का ही, बीच का भी, हम बेस्ट पोर्शन, वो चाहे एकदम आखिर का हो, एकदम शुरू का हो, आप प्रस्तावना ही आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा है, तो हमें बस ये देखना है कि आप कर दो, आप में वो चीज़ है कि नहीं है, भाषा का जादू है कि नहीं है, या वो भाव के स्तर पर या अनुभूति के स्तर पर हमें छू रहा है कि नहीं छू रहा है।
अच्छा, मेरी और आपकी अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी उसमें एक चीज पे और बात हो रही थी कि लोग पहला ड्राफ्ट लिखते हैं और वो एडिटर को भेज देते हैं कि बाद में इस पे मैं काम कर लिया जाए। तो इस पे भी कई बार किताबें रिजेक्ट हो जाती हैं? हाँ, एकदम हो जाती हैं। कभी कई बार बड़ा धोखा हो जाता है इसमें। मतलब आपने पहला ड्राफ्ट भेजा, वो एकदम कच्चा निकला, हमें कहा कि नहीं इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, और आपने वो इसको दोबारा सुधार लिया या ऐसा कुछ स्पेस नहीं रखा कि नहीं इसमें सुधारा जा सकता है, या तो हम कच्चे ड्राफ्ट को देख के हम ये कह देते हैं इसने कि इसमें कुछ दम नहीं है, इस पर काम नहीं किया जा सकता। बाद में लेखक उस पर काम करता है, सुधारता है, वो अच्छी आ जाती है। तो मतलब जो एडिटर के पास भेजिए उसको, आप ड्राफ्ट को दो तीन बार काम करने के बाद भेजिए, आपका बेस्ट वर्क भेजिए, क्योंकि वो वहाँ पर एक फोन की स्क्रीन पे पड़ रहा है, उसको सामने बैठ के आप नरेट नहीं कर रहे हैं, सुना नहीं रहे, आप आगे पीछे की बातें नहीं सुना रहे, पता नहीं किस मूड में बीवी से झगड़ा करके आए तब पढ़ रहा है, इसका भी असर पड़ता है। तो अपना बेस्ट काम भेजिए और दो तीन बार काम करने के बाद भेजिए। किन चीजों पे आप बिल्कुल सलाह देंगे कि जो नए लोग लिखना चाहते हैं उन पे ना लिखें? मतलब लिखें तो ठीक है, ना नहीं, दो तीन चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं कि पहले ही पन्ने से लगने लगता, अरे यार ये फिर वही चीज़ आ गया। सबसे है वो जो आज के ज़माने का प्रेम है, जिसपे लोग कॉलेज वाली लाइफ है या जो दोस्ताना टाइप की चीज़ें लिखते हैं, वो लिखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिपीट की तरह मत लिखिए। ऐसे में एक के बाद एक लोग वैसे वही डायलॉग है, वही सीन है, वही भाव है। बहुत ज़्यादा तो ऐसा होता है ना कि लिखते हैं लेकिन जो क्या होता है ना कि जो लेखक है वो उसके दिमाग में सब दिख रहा है, वो उसने अपना सारा सीन सोच लिया है, लेकिन जब वो लिखता है ना तो वो भाव नहीं आ पाता, वो भावना के स्तर पर पाठक को छूती नहीं है। एज ए पाठक को लगते हुए लगता है कि नहीं, वो चीज़ नहीं डिलीवर हो रही है जो लेखक कहना चाह रहा है। तो मैं हमेशा कहूँगा कि उन विषयों को लिखने से बचें जो बारंबार लिखी जा चुकी है। अगर आप उस पर लिखने का जोखिम उठा रहे हैं तो कुछ नए तरीके से लिखिए, और एक लेखक के लिए शब्दों की जादूगरी आना बहुत ज़रूरी है। मुझे हमें पसंद बनारस से जुड़ी कितनी पांडुलिपियाँ आपको एक दिन में मिलती हैं? बनारस मतलब महीने में तो दो तीन मिल ही जाती हैं, जिसमें बनारस रहता है, महीने में दो तीन बार बनारस हो जाता है। हिंदी का लेखक बनारस हाँ, आजकल बनारस ट्रेंड में है, चाहे जिसे लिए। और दिल्ली कनॉट प्लेस दिल्ली कनॉट प्लेस भी है, दिल्ली भी है। दिल्ली और बनारस ही दो शहर हैं, ज़्यादातर लोग जो मिलती है वो कॉलेज लाइफ पे लिखते हैं, या कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है बहुत सारी पांडुलिपियाँ। एक लड़का है इंजीनियरिंग किया, और तो इंजीनियर कितने होते हैं? इंजीनियर मतलब मोस्टली लोग तो इंजीनियर ही होते हैं, इंजीनियरिंग करके उन्होंने, अच्छा बहुत सारे लोग होते हैं। एक इंजीनियर लड़का था, उसने अपनी कहानी भेजी, तो मैंने उसको बताया कि भाई देखो हर जीवन अलग होता है, और इस कहानी में यहाँ आप इसको हटा दें या इसको संशोधित कर लें, या कुछ करेक्टर आपने जो डाल दिए हैं उसमें न भी रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अतिरिक्त दिख रहा है उसको हटा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने कहा मैं जानता हूँ आप ही की कहानी है। तो उन्होंने कहा आपको कैसे लगा? क्या है ना, जो अभी क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने इंजीनियरिंग की, मैं इंजीनियरिंग का छात्र रहा, मेरी किसी लड़की से दोस्ती हुई, हम इंजीनियर हो गए, वो किसी और कंपनी में, मैं किसी और कंपनी में, अब मुझे उसको बताना है कि देखो मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि तुम्हारे लिए कहानी लिख दी। तो ये नहीं हो सकता ना, हर जीवन कहानी नहीं हो सकता। अच्छा, अब एक दूसरे पहलू पर बात करते हैं। आपने जो 5-6 किताबें या 10 किताबें जो बेस्ट सेलर में लिस्ट में आती हैं वो आपने चुनी, ये किताब छपनी चाहिए, या इस किताब पे काम किया आपने एडिटर के तौर पे, मतलब देव प्रकाश दुबे की किताबें हो, निलोत्पल की किताब हो जो भी आई है, और इसके बाद आपका निखिल सचान सत्यव्यास बनारस टॉकीज जैसी किताब, आपको पहले से लगता था ये किताबें कुछ इतना चलेंगी, इतना पॉपुलर होंगी? नहीं, बनारस टॉकीज देखिए, सबसे पहले इस जॉनर की जो किताब हमने पहले छापी थी सबसे पहले बनारस टॉकीज थी। तो बनारस टॉकीज का जब पहला पांडुलिपि हमारे पास जो ड्राफ्ट आया था, तो मैंने देखा मुझे कुछ अच्छा लगा उसमें। मैं रात में पढ़ रहा था, यकीन जानिए कि जब रात के 2 बज रहे थे, मैं पढ़ रहा था, उसका एक सीन था, वो बहुत अच्छा सीन था, तो वो पढ़ते पढ़ते मैं हंसने लगा रात के। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, मुझे शैलेश भारद्वाजी ने उस समय पर उसका इंट्रो पढ़वाया था। हाँ, ये भगवान दास है भैया। हाँ, वो पढ़ने के बाद मैंने कहा ये किताब हर हाल में छपनी चाहिए। हाँ, वो ऐसा था, उस चीज़ में था। मैं सो रात के 2 बजे पढ़ रहा था, अकेले हंस रहा था, तो फिर मुझे लगा कि अरे इसमें जो रात के 2 बजे एक आदमी को हंसा दे तो कुछ बात उसमें। फिर मैंने सत्यव्यास से बात की, शैलेश जी से बात की, सत्यव्यास ने और हमने मिलकर काफ़ी काम किया इसके, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। मतलब उन्होंने देखा है कि एक चीज़ है कि उनसे कहते हैं कि पैराग्राफ बदलिए, वो तुरंत कहते हैं ठीक है, और उससे उनके पास इतने ऑप्शन भी होते हैं, तुरंत बदलते हैं और एकदम नया लिखते हैं। एक चीज़ इसी से, अगला सवाल इसी से जोड़ते हैं कि जो कई लेखकों को मैंने देखा कि
कई बार मतलब मुझसे भी बात हुई, तो मैंने उनको बोला भी छपने के बाद, बोला कि यार इस पर थोड़ा और काम होना चाहिए था, एक संपादक के हिसाब से थोड़ा और काट छाट होना चाहिए। तो जो बड़े लेखक हो गए हैं, क्योंकि शुरुआत आपके साथ हुई थी, अब क्या व्यवहार बदला है कि नहीं, अब जो हमने लिख दिया है वो तो बिकता ही है तो ये बिकेगा, या कितना बहस होती है एडिटर प्रोसेस? हाँ, बहस तो होती है, काफ़ी बहस होती है अभी भी, मतलब अभी भी जो जो किताबें आती हैं, ये ज़रूर है कि हम उन पर चर्चा करते हैं लेखक से, और हम उनसे अगर कन्विंस नहीं करते हैं, जो बहुत सारे लोग कन्विंस हो जाते हैं तो चेंज भी करते हैं, नहीं होते तो हम ये कहते हैं कि जो लेखक का अंततः अधिकार आपका है, लेकिन एज अ पाठक, एक पाठक के नज़रिए से मुझे यहाँ आया ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, आप इसको कर देते तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये मेरी मंशा है कि ये ऐसे ही जाए, तो हम उनको वैसे ही छोड़ देते हैं। हम उनको अपनी राय दे सकते हैं, उनसे असहमत हो सकते हैं, उनको नकार नहीं सकते। तो ये मनीष हैं हमारे साथ में, और अगर आपको और कोई सवाल पूछने हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ये सारी बातचीत इसी बारे में थी कि जो लोग ये किताबें छपती हैं, एक संपादक उसमें क्या क्या बदलाव करता है, किस नज़रिए से देखता है, और क्या क्या एक लेखक के तौर पर या एक नए लेखक के तौर पर आपको नहीं करना चाहिए। और इसी तरह की जानकारी के लिए, इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।